हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रोशन यादव और आप देख रहे हैं रोशन टेचिलन के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, मैं आज फिलहाल पढ़ाऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या पढ़ाऊंगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सारा टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फोर्थ पार्ट है ये, और बहुत आसान है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो देखिए, आपको रखना होगा याद कॉन्सेप्ट, जो चार पार्ट है, तीसरा पार्ट है, तो चार पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, ओके। तो देखिए, रूल एंड आइडेंटिटी। क्या रूल एंड आइडेंटिटी? रूल मींस तो बता चुका हूं वीडियो में, रूल मींस होता है नियम, आइडेंटिटी मींस सॉरी एंड मींस और आइडेंटिटी मींस पहचान। आई वी यू दे यानी प्लुरल, ठीक है। ही सी इट नेम के साथ सिंगुलर, ठीक है ना। देखिए, आई वी यू दे प्लुरल के साथ लाएंगे हम have, he see it name singular के साथ had, ठीक है, और उसके साथ been लगाएंगे, ठीक है, been, okay, इसमें आ जाओ समय के साथ। क्या? समय के साथ ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है, ठीक है ना। इसमें भी होगा मेन भर्ब बिफोर, ओके। तो फ्रेंड्स, इसका नोट लिखा रहा हूं, वर्तमान समय के जिस वाक्य में किसी काम का एक हिस्सा, यानी एक हिस्सा समय के साथ चलना, ठीक है ना, एक हिस्सा समाप्त होने का बोध हो, तथा उसी काम का, किस काम का, उसी काम का दूसरा हिस्सा जारी रहने का बोध हो, तो हम उसे इस प्रकार रहेंगे, यानी स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है ना। किसके हिसाब से? स्ट्रक्चर के हिसाब से। देखिए, स्ट्रक्चर लिखा रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टी डब्ल्यू। टी डब्ल्यू का मतलब होता है टाइम टेबल। क्या होता है फ्रेंड्स? टाइम टेबल, टाइम के अनुसार आपको चलना है, यानी समय के साथ चलना है, ठीक है ना। और देखिए, इसका मैं छह पार्ट बना देता हूँ, ठीक है ना, आप बना लीजिएगा, आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव been plus not plus before plus object plus since या for plus tw, ठीक है। अब have has इस साइड ले आओ, have या had plus subject plus been has been plus subject plus before plus object plus since या for plus tw, okay। फिर आ जाओ, have या had plus been प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टी डब्ल्यू। अब डब्ल्यू एच के फॉर्म पे आ जाओ, ठीक है ना। डब्ल्यू एच प्लस हैव हैड प्लस बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टी डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू एच हैव हैज बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फोर
प्लस टी डब्ल्यू, ठीक है ना। ये आपका छह पार्ट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। सिक्स स्ट्रक्चर के मुताबिक चलना पड़ता है और उसी के नियम से सब बनेगा। ओके ठीक है, तो देखिए सिंस का प्रयोग कैसे करेंगे। सिंस का प्रयोग होता है निश्चित समय या निश्चित अवधि से पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है, जैसे सप्ताह के नाम से पहले, सप्ताह के नाम यानी संडे टू सैटरडे, ठीक है, और महीनाओं के नाम से पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है, जैसे जनवरी टू दिसंबर, ठीक है ना। सिंस का प्रयोग ऐसे ही किया जाता है जैसे आप लोग, और उसके बाद फोर का भी प्रयोग बताऊंगा, ठीक है। सिंस में का सिंस से क्या क्या संबंधित है और बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए सिंस सुबह से रात तक घड़ी के निश्चित समय से पहले किया जाता है सिंस का प्रयोग, जैसे 10 बजे से, 1 बजे से, ईस्वी से, जैसे 1950, 1920, 1910, 1850, 2000, 2015, ईस्वी सब ना, उससे भी पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और जैसे 1980, 2001, 2015, ठीक है। और बचपन के आदत को, बचपन यानी बचपन का दिन, बचपन के आदत को बताने के लिए सिंस का प्रयोग होता है, जैसे क्या बोलता है उसको, गत साल का भी प्रयोग होता है सिंस में, ठीक है ना। ओके तो फाइनली देखिए एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। मैं सुबह से गीत गा रहा हूँ, यानी जारी है एक पार्ट का, दूसरा पार्ट खत्म हो गया और उसी पार्ट का जो शब्द है जारी है। मैं सुबह से गीत गा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं सुबह से गीत गा रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। और आई के साथ फाइनल क्या लगाते हैं हम, पुल रहते हो हैव बीन, आई हैव, देखिए उसके बाद बीन, स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर पर समझ जाएगा ना तो पूरा ट्रांसलेशन बना लेगा, पूरे खत्म कर दीजिएगा। उसके बाद वी फोर, गीत गाना क्या होता है, सिंग, ऐसा हो तो हम सिंगिंग आई एन जी लगाएंगे तो भी फोर हो जाता है, सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। देखिए एक बात बताऊ, मैं तो बोल दू, मुझे आता है तो बोल दू, सुबह से है तो सुबह क्या होता है, मॉर्निंग। सिंस में मैं प्रयोग लिखा चुका हूँ, सिंस का प्रयोग सुबह से रात तक होता है, यानी मॉर्निंग, सोमवार, ये सब लिखा चुका हूँ, आप देख लीजिएगा ट्रिक्स में, ठीक है ना। सुबह से सिंस मॉर्निंग, ओके ठीक है ना, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मारना हो तो मार लीजिएगा। आई होप अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक की सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।